अपनों से ये कहना कि कल से हम नहीं आएंगे, ये कहने की ना तो हिम्मत हो पाती है और ना ही मन होता है। मैं इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। दोस्तों, पिछले साल इन्हीं लाइनों के साथ महानायक अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 15 के मंच से अपनी ऑडियंस को अलविदा कह दिया था। अब इसके साथ ही उन्होंने अपने हर चाहने वाले को काफी ज्यादा इमोशनल भी कर दिया था। पर हाल ही में नवरात्रि के मौके पर सदी के महानायक ने एक अच्छी खबर अपने फैंस के साथ शेयर की है। जी हाँ दोस्तों, बिग बी कौन बनेगा करोड़पति 16 के साथ टीवी पर वापस आने वाले हैं और शो का एक नया प्रोमो भी शेयर किया गया है, जिसे देखकर फैंस एक बार फिर से खुश हो जाएंगे क्योंकि ये प्रोमो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, शुरू होने जा रहा है कौन बनेगा करोड़पति। बच्चे, बूढ़े और जवान, केबीसी एक ऐसा शो है जिसे हर युग की पीढ़ी का भरपूर प्यार मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चन साहब। जी हाँ, इसीलिए पिछले साल जब उन्होंने केबीसी के खत्म होने का ऐलान किया तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। पर अब महीनों बाद एक बार फिर दर्शकों और उनके चाहने वालों को मुस्कुराने की वजह मिल गई है। दरअसल सोनी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर केबीसी 16 का एक ऑल न्यू प्रोमो शेयर किया गया है। प्रोमो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से बिग बी ने पिछला सीजन खत्म किया था। इसके बाद एक भारी सी आवाज में वॉइस ओवर चलता है और वो आवाज कहती है कि हर आरंभ का अंत तय है, मगर अपनों के प्यार में जो आनंद है। फिर हॉट सीट पर बैठी एक कंटेस्टेंट कहती है कि मम्मी बोलती है कि ये मेरा शो है, बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा शो है। अब चार पीढ़ियों को इस शो ने जोड़े रखा है। और फिर एक बार वॉइस ओवर शुरू होता है और कहा जाता है कि तो हर अंत के बाद शुभ आरंभ होना भी निश्चित है। वॉइस ओवर खत्म होने के बाद बिग बी मंच पर भागते दौड़ते एंट्री लेते हैं और वो कहते हैं कि गूंजा जो आपके प्यार का शंखनाद, तो आना पड़ेगा फिर। सच कहें तो अमिताभ बच्चन साहब की ये बात सुनकर रोंगटे सच में ही खड़े हो गए थे और ऐसा लगा कि जैसे मानो फैंस के लिए इससे बेहतर तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कब और कहां देख पाएंगे आप इस शो को। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का ऐलान तो कर ही दिया है, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर शो कब से और आप कहां देख सकेंगे। हर बार की तरह केबीसी का नया सीजन भी सोनी टीवी पर ही स्ट्रीम होगा। शो 26 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल से रात 9 बजे फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और अगर आप केबीसी की हॉट सीट पर बैठने का चांस बिल्कुल नहीं खोना चाहते तो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी रहिएगा और अपने हाथ में अपने फोन्स और एसएमएस के लिए डायल पैड पर अपनी उंगलियां पूरी तरह से एकदम रेडी होनी चाहिए।